पीएम मोदी ने बंगाल की भूमि से निकले महान व्यक्तियों को भी याद किया। महान हस्तियों ने शस्त्र और शास्त्र से, त्याग और तपस्या से मां भारती की सेवा की। आज 56 साल के हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पीएम ने भी ट्वीट कर बधाइयां दी। केंद्र सरकार ने ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी को खत लिखा है। ट्विटर पर भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाने पर सरकार ने आपत्ति जाहिर की। डीआरडीओ के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाक का कामयाब टेस्ट, सुबह 6:45 पर पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में परीक्षण किया गया। नौसेना की मीडिया में शामिल हुआ INS कवरत्ती, बारूदी सुरंग रोधी प्रणाली से लैस है स्वदेशी युद्धपोत। सीमा पर तनाव के बीच थलसेना प्रमुख नरवणे का बड़ा बयान, कहा कि CDS की नियुक्ति के बाद थिएटर कमान स्थापित करना अगला महत्वपूर्ण कदम। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 22 अक्टूबर 1947 को जो हुआ उसका जवाब देने का समय आ चुका है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, अलबद्र के 2 आतंकियों ने कैमरे के सामने सरेंडर किया। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है। जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में 1989 में संशोधन प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूर किया। लाहौर के बहाउद्दीन चकारिया यूनिवर्सिटी में इमरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कराची ब्लास्ट की CCTV तस्वीरें सामने आई हैं। कल धमाके में 5 लोगों ने जान गंवा दी थी। पाकिस्तान में नमाज के दामाद की गिरफ्तारी पर फौज और सिंध पुलिस आमने सामने, सूत्रों के हवाले से खबर। झड़प में पुलिस और सेना के 10 और 5 जवानों की मौत हुई। इमरान खान ने ब्रिटिश सरकार को खत लिखा है, नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस भेजने की मांग की। पाकिस्तान के पूर्व PM शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान के हालात पर सवाल उठाते नजर आए, सेना और इमरान के बीच गठजोड़ का आरोप लगाया। शिनजियांग में वीगर मुसलमानों पर अत्याचार के मामले को लेकर चीन की पोल खुल चुकी है, कनाडा की संसद की उप समिति ने नरसंहार बताया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने नीतीश कुमार को नया नाम फिसड्डी बाबू दिया है। शिक्षा, गरीबी और कुपोषण को लेकर नीतीश को घेरा। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र, घोषणा पत्र में 5 सूत्र 1 लक्ष्य 11 संकल्प का जिक्र। बिहार में बीजेपी ने मुफ्त में कोरोना का टीका और 19 लाख रोजगार देने का वादा किया। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी के 4 बड़े स्टार प्रचारक बीमार पड़े, शाहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूडी, सुशील मोदी और मंगल पांडे कोरोना पॉजिटिव हुए। दिल दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज हुई, दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने अर्जी खारिज की है। दिल्ली के आनंद विहार में पुलिस और ATM लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई, एक शख्स को गोली लगी, पुलिस ने बाइक और पिस्टल जब्त किया। दिल्ली पुलिस ने कॉप्स ऑन व्हील्स मुहिम की शुरुआत की है, दिल्ली में अब साइकिल से पेट्रोलिंग की जाएगी। पालघर के केस की जांच पर बीजेपी नेता राम कदम ने सवाल उठाए हैं। राम कदम ने अनिल देशमुख को खत लिखकर CBI जांच की मांग की। महाराष्ट्र में CBI जांच से पहले लेनी होगी इजाजत, राज्य सरकार या कोर्ट की अनुमति के बिना CBI नहीं कर सकेगी जांच। महाराष्ट्र में CBI के बैन पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, CBI के आने से घोटाले की पोल खुलने का डर है। महाराष्ट्र के पालघर में हुई संतों की हत्या की जांच CID कर रही है, जिसने नामजद किए 208 नए आरोपी, 50 आरोपी गिरफ्तार। पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में 218 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, राज्य CID ने कार्रवाई की, 160 लोगों के खिलाफ पहले से केस चल रहा है। मुंबई के सांता क्रूज कुर्ला लिंक रोड पर बस ने 5 गाड़ियों को टक्कर मार दी, हादसे में एक ड्राइवर बुरी तरह से घायल हुआ। देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 77 लाख के पार पहुंच चुकी है, 16,616 लोगों ने जान गंवाई। 24 घंटे में 55,839 कोरोना के नए मामले सामने आए, 702 की मौत हुई। लखनऊ में महिला के साथ बाबा के आपत्तिजनक वीडियो का प्रशासन ने संज्ञान लिया है, ठाकुरगंज थाने में केस दर्ज हो चुका है। लखनऊ में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। प्रदेश के अंदर में अश्लील डांस के दरमियान गोली चल गई, डांस देख रहे शख्स ने गोली चलाई, एक कार्यक्रम में बुलाई गई थी 2 डांसर। उत्तर प्रदेश के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा है, पत्र में केजरीवाल को ISIS और दाऊद का एजेंट बताया गया है। नंद किशोर ने आम आदमी पार्टी पर गाजियाबाद में 236 दलितों को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन के मामले में लीपापुती में प्रशासन जुटा हुआ है, SDM सिटी और SP सिटी ने धर्म परिवर्तन से इनकार किया। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में 1 टावर में आग लग गई थी, आग से लाखों का नुकसान हुआ। नोएडा में पुलिस मुठभेड़ में दुष्कर्म के आरोपी को गोली लगी, पुलिस के पिस्टल छीनकर बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। लखनऊ में सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंचे, आलू, टमाटर और प्याज के दाम में 20% तक की बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश में चुनाव
विधानसभा पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी बीजेपी। ग्वालियर हाईकोर्ट ने सभा करने पर रोक लगा दी है। प्रदेश के बैतूल में युवती से छेड़छाड़ करने वाले व्यापारियों को ग्रामीणों ने जूते की माला पहना दी। व्यापारी को जूते की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया। रतलाम में जहरीली शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी, 5 गिरफ्तार हुए। स्पिरिट, यूरिया और साबुन से बन रही थी शराब। मध्यप्रदेश के पन्ना में 24 साल के शख्स की बलि, सोते समय माँ ने ही दे दी बेटी के बलि। मध्यप्रदेश के शिवपुरी में पुलिस ने 8,40,000 रुपए जब्त किए हैं। चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियों से बरामद किए गए। सीएम गहलोत आज शाम 5 बजे परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। श्रीगंगानगर में डॉक्टर्स ने बदला मृतक का शव। पोल खुलने पर श्मशान से शव वापस मंगवाया गया। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। टिकट नहीं मिलने से नाराज प्रदीप सांगवान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मोगा विधायक हरजोत कमल और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट चेयरमैन की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। विधायक का पैर टूटा, चेयरमैन भी बिखाया। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।